फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। आज कुछ मेजरमेंट्स प्लॉट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मेजरमेंट्स प्लॉट होता है या फिर कुछ बेसिक्स मेजरमेंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। अगर आप बेसिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसमें आपको सूत्र, फीट, सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वेयर, गज, 1 मीटर स्क्वेयर होता है, 1 मीटर गज हो गया, फीट गज, और आपका फीट गज मीटर, इसके बारे में बेसिक्स बताऊँगा मैं। ठीक है, अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप अपने से निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस कर, आपको इसमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अक्सर ये होते हैं कि हमें गज़ के बारे में नहीं पता है, फिट के बारे में नहीं पता है, और मीटर के बारे में नहीं पता, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं फिट से मीटर में, मीटर से फिट में फिट, और गज से फिट के अंदर। ठीक है, तो पूरे बेसिक्स के बारे में इसको जानेंगे आज। चलिए, अगर आपके पास दो मेजर आपके पास एक मेजरमेंट टेप होता है, उसमें आप दो मेजरमेंट करते हैं, एक फिट के अंदर, एक आप मीटर के अंदर। और फिर मीटर के अंदर कौन कौन सी मेजरमेंट करते हैं आप? मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर, तीन मेजरमेंट करते हैं आप। उसके बाद देख लेते हैं फीट के अंदर। फीट के अंदर जो मेजरमेंट करते हैं आप, सूत्र, उसके बाद इंच, उसके बाद आप फीट। ठीक है, तो ये तीन मेजरमेंट करते हैं, और इन दोनों के एक मेजरमेंट के टेप के अंदर जो फीट एंड मीटर होते हैं, हम दोनों मेजरमेंट के बारे में उसको जानेंगे। अगर आपके पास कोई प्लॉट है गज का है, सपोज कीजिए आपके पास कोई प्लॉट है गज के अंदर, तो गज के अंदर कोई भी मेजरमेंट नहीं होती है, वही आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आपने कोई प्लॉट, सपोज कीजिए 100 गज का प्लॉट है, तो आपको इसको क्या करना पड़ता है, मेज़र करना पड़ता है। कैसे करेंगे? या तो आप मीटर के अंदर मेजरमेंट करेंगे, या फिर आप इसको फीट के अंदर मेजरमेंट करेंगे। उसको जब मेजरमेंट करेंगे तो उसको आप क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या आ जाता है आपके पास, गज। ठीक है, सपोज कीजिए कोई भी 100 गज लिख देता है, 100 गज, या फिर उसको क्या करना पड़ता है, ऐसा मोस्टली वो 100 गज स्क्वेयर होता है, जो आपका प्लॉट होता है, जहाँ पे भी दो डायमेंशन होती है, ये वाली डायमेंशन ये डायमेंशन होती है, तो वो क्या हो जाता है आपके पास, एरिया हो जाता है। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। आपका एरिया कुछ भी हो सकता है, ट्रीएंगल शेप में हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है, या फिर आपका इरेगुलर शेप के अंदर हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बस डिपेंड करता है आपके पास एरिया के अंदर, वो आपके गज स्क्वेयर के अंदर। अब मोस्टली सबसे ज्यादा लिख देते हैं गज लिख देते हैं मोस्टली, भाई आपका प्लॉट 100 गज का है, 150 गज का है, 120 गज का है, और मोस्टली इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, वो गज स्क्वेयर होता है। चलो आगे जानते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं सबसे पहले 1 मिलीमीटर। सबसे छोटा जो यूनिट होती है मीटर के अंदर आपके पास होती है मिलीमीटर, और फीट के अंदर सबसे जो छोटी यूनिट होती है आपके पास एक सूत्र होती है। ठीक है, उसको मेजरमेंट टेप के बारे स्टडी के बारे में चाहते हैं तो वो वीडियो बना चुका हूँ मैं, 3 वीडियो बना चुका हूँ, फीट की अलग बना चुका हूँ और मीटर की अलग बना चुका हूँ, मीटर, फीट, सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो तीनों वीडियो में अलग बना चुका हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं, वीडियो के प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो मिल जाएगी आपको। उसके बाद देख लेते हैं 1 सेंटीमीटर। 1 मीटर से बड़ा जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर के अंदर होता है आपके पास 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में होते हैं आपके पास 10 मिलीमीटर, और 1 मीटर के अंदर होते हैं आपके पास 100 सेंटीमीटर या फिर 100 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर बोल सकते हैं या फिर आपके पास mm बोल देते हैं इसको, 1 सेंटीमीटर में या वह cm और 10 mm, ठीक है, mm बोल देते हैं, मिलीमीटर। उसके बाद देख लेते हैं एक सूत्र, फीट की जो मेजरमेंट होती है, एक सूत्र होता है, इसको ऐसे भी बोल देते हैं। ठीक है, और 1 इंच के अंदर होते हैं आपके पास 8 सूत्र। 1 इंच किसके बराबर होता है? 8 सूत्र के बराबर होता है। और जो 1 फीट होता है, 1 फीट जो होता है आपके पास 12 इंच के बराबर होता है, और 1 फीट में आपके पास 96 सूत्र होंगे, बिकॉज 1 फीट के अंदर होते हैं 12 इंच, तो 12 × 8, 1 इंच के अंदर कितने हो गए, 1 फीट में होते हैं 12 इंच, और 1 इंच में कितने होते हैं 8 सूत्र, तो 96 सूत्र होते हैं 1 फीट के अंदर। क्लियर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देख लेते हैं 1 फीट। अगर आपके पास कोई 1 फीट है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो दूरी है 1 फीट की है, तो ये किसके बराबर होता है? 1/3 गज, बिकॉज आपका पास जो 1 गज होता है, यहाँ पे 1 गज होता है, वो 3 फीट के बराबर होता है। अगर गज होता है आपके पास बड़ा और फीट होती है छोटी, अगर इसको बड़े से छोटी करते हैं तो वो गुना करते हैं, अगर फीट से गज के अंदर जाते हैं तो भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 फीट, ये क्या है, 1 फीट। ठीक है, 1 फीट को हम 3 से भाग कर लेते हैं, वो गज हो जाता है। ठीक है, 1 फीट के अंदर गज, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, 1 फीट की बात करते हैं तो सिंपल 1 से भाग हो जाता है, तो 3 गज, 1/3 गज। अगर सपोज कीजिए आपके पास 5 फीट है, तो 5 फीट आ गया, ये दूरी आपके पास हो गई 5 फीट की, तो 5 फीट हो गया, ये दूरी 5 फीट हो गई। आप क्या करेंगे, इसको गज में निकालना है, तो गज में सिंपल इसको 1/3 भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर 5/3 भी लिख सकते हैं, या फिर आप
ठीक है, तो इसको उसको 5 5 बटे 1 और 3 भाग, तो ये भी ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो या फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, 0.33। जब तो हम 3 को 1 से भाग कर लेते हैं तो 0.33 गज आता है, तो फिर 5 फीट आपके पास है, तो गुना 0.333 भी कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएंगे गज। ठीक है, अगर 5 गुना 1/3 भी करते हैं तो तब भी आपके पास वही गज आएगा, ये आपके पास बराबर आएंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं आपके पास 1 फीट, 1 फीट के अंदर आप चाहते हैं कि कितने मीटर होंगे 1 फीट के अंदर। ये आपके पास एक दूरी है, ये आपके पास 1 फीट की है, 1 फीट। ठीक है, तो 1 फीट की है तो उसमें होते हैं 1 मीटर के अंदर होते हैं 1 मीटर, 1 मीटर आपके पास बड़ी यूनिट है, तो 1 मीटर के अंदर होते हैं 3.28 फीट। ये फीट, ये 3.28 क्या है, ये 3.28 टोटल फीट हो गए, और 0.28 आपके पास हो गया। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, 0.28 को कन्वर्ट करेंगे इंच के अंदर, तो गुना 12 कर देंगे, तो इंच हो जाएगा, फीट और इंच यहाँ पे हो जाएंगे आपके पास 3 फीट, 3 फीट और समथिंग 3 इंच। 0.28 को गुना करेंगे 12 से, तो समथिंग 3 इंच के समथिंग हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये मैंने पूरे कन्वर्ट कैलकुलेशन कन्वर्सन बता दिया, वो बहुत सी वीडियो बनाई है, बहुत सी वीडियो बनाई मैंने कन्वर्सन फैक्टर्स की, वो वीडियो अगर आप चाहते हैं पूरी बारीकी समझने के लिए, वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। सभी जो वीडियोज़ हैं मेरी प्लेलिस्ट के अंदर है, जैसे ही आप वीडियो वीडियो के अंदर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो वीडियो कन्वर्सन फैक्टर्स के अंदर सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। उसके बाद देख लेते हैं, ये तो आपका मीटर है, 1 गज में होते हैं 3 फीट, गन और फीट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो गज में बनाते हैं, तो 0.33 गज होता है। 1 मीटर के अंदर होते हैं 3.28 फीट। ठीक है, तो 1 मीटर के अंदर आपके पास 3.28 फीट होते हैं, वो फीट को 1 फीट में कितने मीटर होंगे, तो सिंपल आप भाग कर देंगे, 1 फीट आपका छोटा है और मीटर बड़ा है, तो भाग कर देते हैं। सपोज कीजिए आपके पास 5 फीट है, तो 5 फीट में कितने मीटर होंगे, कितने मीटर की लंबाई बराबर होगी, तो सिंपल क्या करेंगे, 5 गुना 3.28, तो सिंपल 5 गुना 1/3.28, या फिर 5/3.28, तो बराबर आपके पास हो जाएंगे मीटर। ठीक है, या फिर क्या करेंगे आप, 5 गुना यहाँ पे 3 भाग किया हमने, 1 से भाग कर देते हैं 3.28, जो हमने ये भाग किया था, जब इसको इसको भाग कर लेंगे 3.28 को 1 से भाग करेंगे, तो 0.3048, तो 0.3048 जो इसको गुना कर देंगे तो बराबर आ जाएगा मीटर, बिकॉज 1 मीटर में 1 फीट के अंदर होते हैं, 1 फीट में होते हैं 0.3048 मीटर, और या फिर 1 फीट के अंदर होते हैं 1/3.28 मीटर। ठीक है, तो ये यूनिट आपकी याद हो गई। उसके बाद देख लेते हैं गज़ के अंदर निकालते हैं, तो 1 मीटर में होते हैं कितने गज़, तो 1 मीटर में होते हैं 1.093 गज, बिकॉज हमने भाग किया 3.28, 3.28। देखिए 1 मीटर में हमने, हमें पता है कि एक एक फीट में सॉरी एक एक गज़ के अंदर होते हैं आपके पास 3 फीट, 1 गज में कितने होते हैं, 3 फीट होते हैं, सिंपल आपको पता है 1 गज में 3 फीट होते हैं, और 1 मीटर में 3.28, 1 मीटर में 3.28 फीट आपको चाहिए गज, तो सिंपल इसको भाग कर देंगे, जब हम तीन से क्यों करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है गज, और 1 गज के अंदर कितने होते हैं 3 फीट, तो 3 से इसको भाग कर देंगे तो आपके पास 1.09 समथिंग हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर इसको ये याद नहीं रहता है तो सिंपल आप फीट को याद कर लीजिए। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे है 1 मीटर में 3.28, मतलब 3.28 बराबर होगा 1 मीटर के, ये 3.28 फीट है, तो 3.28 फीट बराबर 1 मीटर, तो 3.28 कितने गज के बराबर होगा, तो सिंपल 1 गज में कितने होते हैं, 1 गज में 3 फीट होते हैं, 1 गज में 3 फीट होते हैं, तो टोटल आपके पास कितने निकल जाएंगे, गज निकल जाएंगे मीटर के, ये आपके पास मीटर है 3.28, 3.28 गज बराबर गज। ठीक है, तो सिंपल 3.28 आपके पास होते हैं 1 मीटर के अंदर, यहाँ पे 3.28 आपको निकालने हैं टोटल गज। ठीक है, तो सिंपल तीन से भाग कर देंगे, तो 1.093 गज होते हैं 1 मीटर के अंदर, ये पास 1 मीटर हो गई, ये आपके पास 1 मीटर लेंथ है। ठीक है, और इसमें आपको देखना है कि कितने गज होंगे। ओके, उसके बाद देख लेते हैं,
1 गज के अंदर कितने मीटर होंगे। सिंपल आपको भाग कर देना है, 1 से सिंपल भाग कर देंगे। जब हम 1 मीटर बड़ी यूनिट होती है, गज छोटी यूनिट गज होती है, तो सिंपल गज को कन्वर्ट करेंगे तो भाग करेंगे 1/09, या फिर इसको इससे भाग करेंगे तो 0.9144 मीटर आ जाता है। इससे इसको भाग करेंगे गज के अंदर, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कुछ एरिया, एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ एरिया के लिए। आपके पास 1 फीट कोई भी एक एरिया है, ठीक है, कोई एक एरिया है जिसकी लंबाई 1 फीट है और चौड़ाई भी 1 फीट है, तो वो क्या होता है, 1 फीट स्क्वेयर, 1 फीट का स्क्वेयर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर देखिए 1 फीट, कई बार पूछते हैं कि हमें क्या लिखते हैं 1 फीट स्क्वेयर, ये भी एरिया हो गया, या फिर 1 स्क्वेयर फीट, 1 स्क्वेयर फीट ऐसे भी लिख सकते हैं, कौन कन्फ्यूज नहीं होने की जरूरत है, ठीक है। तो 1 गज 1 गज स्क्वेयर कैसे होगा, जब आपका पड़ोस कोई भी प्लॉट होता है, 1 गज लंबाई होगी, 1 गज चौड़ाई होगी, तो 1 गज स्क्वेयर होता है। ऐसे ही 1 मीटर होगा, 1 मीटर स्क्वेयर हो जाएगा, तो 1 मीटर × 1 मीटर। उसके बाद देख लेते हैं कोई भी आपका उदाहरण देख लेते हैं, कोई 400 वर्ग फीट का कोई आपका पास प्लॉट है, 400 वर्ग फुट का, तो उसकी लंबाई ये चौड़ाई क्या होगी, तो उसको सिंपल आप वर्गमूल से कर देंगे 400, तो कितना होगा, 20 × 20, तो 20 × 20 वर्ग फुट, वर्ग फीट, फुट या फीट कुछ भी लिख सकते हैं। फुट होता है, अगर आप फुट होता है तो वो होता है 1, अगर फीट लिखते हैं तो वो होता है 2, 1 से ज़्यादा होता है वो फीट होता है। उसके बाद देख लेते हैं 400 को वर्गमूल करेंगे, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है, 400 वर्ग फुट को कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, तो 400 सिंपल भाग कर देंगे 3.28 × 3.28। हमने यहाँ पे निकाला था 1 फीट के अंदर मीटर निकाला था हमने, 1 फीट के अंदर, 1 फीट के अंदर कितने मीटर, 1/3.28, ये आपके पास सिंपल लंबाई के लिए है, ये सिंपल एक लंबाई के लिए है, 1 मीटर = 3.28। जब हम इसको चौड़ाई में कर देंगे ऐसे, तो ये वाली लंबाई निकल गई और ये भी चौड़ाई आपको चाहिए, तो 3.28 सिंपल, तो क्या हो जाएगा, 400, ये आपके पास 400 फीट है, 400 फीट इसके एरिया है, तो सिंपल इसको भाग कर देंगे 3.28 × 3.28, या फिर 400 / 10.76 है, ठीक है। तो लंबाई, ये लंबाई गुना चौड़ाई, तो एरिया हो गया है, ये भी आपके पास एरिया है, तो सिंपल भाग कर देंगे तो 37.18 मीटर स्क्वेयर एरिया बराबर होगा 400 के। उसके बाद देख लेते हैं, या फिर 400 गुना करेंगे हम 3.308 × 0.308। देखिए 1 फीट के अंदर ये सिंपल लंबाई है, लंबाई है 0.0348, सिंपल ये 0.3048 मीटर है, क्लियर। तो जब हम इसको गुना कर देंगे 1 फीट स्क्वेयर, जब हम इसको फीट स्क्वेयर बना देंगे, इसको भी फीट स्क्वेयर बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 2 बार, ये भी आपके पास 2 बार गुना हो जाता है, तो 37.16 मीटर स्क्वेयर आपके पास एरिया बन जाता है। कितना डिफरेंस आता है सिंपल 1816 का, इस क्योंकि ये यूनिट थोड़ी और बड़ी होती है, इसको 0.328 है ना, 0.8 होता है जो बड़ी यूनिट होती है, तो ये 6 ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, अगर पास कोई 400 वर्ग फीट का प्लॉट है, तो कितने गज स्क्वेयर होगा, कितने गज स्क्वेयर होगा, तो 400 को सिंपल भाग कर देंगे 3 × 3, बिकॉज हमने निकाला था 1 गज में होते हैं 3 फीट, 1 गज बराबर होता है 3 फीट के, तो जब हम गज में, गज बड़ा होता है 3 फीट छोटा होता है, जब इसको हम भाग करते हैं तो भाग कर लेते हैं फिट को गज बनाने के लिए, तो ये फिट है आपके पास, गज बना रहे हैं, तो 3 × 3 से सिंपल इसको भाग कर देंगे, ये आपके पास एरिया होता है और ये लंबाई है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, ये 1 गज और 1 गज, 1 गज 1 गज कितने हो बराबर होगा 3 फीट के, ये भी 3 फीट के बराबर होगा, तो 3 × 9, या फिर 400/9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हुआ, 44.44 गज स्क्वेयर, या फिर 400 गुना हमने निकाला था 1 गज के अंदर, यहाँ पे हमने निकाला था गज के अंदर, यहाँ पे गज में कितने होते हैं, कितने मीटर होते हैं, 0.911, और फीट को गज में कन्वर्ट करने के लिए क्या था, 0.33, 1/3 से भाग किया था 0.33, तो सिंपल यह आपके पास है एरिया, यह है एरिया, तो ये भी आपके पास हो जाएगा एरिया, क्योंकि इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ, 1 गज स्क्वेयर 1 वर्ग फीट स्क्वेयर के अंदर होता है 0.33 × 0.33 गज, ये आपके पास है कोई भी, ये 1 वर्ग, ये आपके पास हो गया 1 वर्ग गज, 1 वर्ग गज होता है, ये 1 गज हो गया, 1 गज में कितने होते हैं 3 फीट, और ये भी 1 गज हो गया,
एक गज में वो क्या बराबर होंगे, 3 फीट, तो 3 गुना 3 को होता है 1 गज, 1 गज इसके बराबर 9 फीट स्क्वेयर। ठीक है, जब हम 1 फीट स्क्वेयर की बात करते हैं तो सिंपल क्या हो जाता है, 1/9, 1/9 गज स्क्वेयर। सिंपल इसको भाग करते हैं, इसको जाते हैं तो गुना करते हैं, इससे इसको करते हैं तो सिंपल भाग करते हैं। ठीक है, तो सिंपल वही हुआ, तो 44.36 गज हो गया। तो सिंपल इसमें कितना डिफरेंस आया, तो बहुत ही कम डिफरेंस आता है, क्योंकि ये और भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो समथिंग आ जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल हमारे पास ये आ जाता है। उसके बाद देख लेते हैं 325 मीटर स्क्वेयर। आपने कोई प्लॉट लिया, कोई भी प्लॉट किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, जो इसका एरिया है, जो इसका एरिया है तो 325 मीटर स्क्वेयर, इसका एरिया 3.5 स्क्वेयर, आपको कन्वर्ट करना है कितना फीट के बराबर होगा। तो इसको लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं, अगर आपके पास, अगर ये स्क्वेयर के अंदर है, स्क्वेयर के अंदर है, तो इसको अंडर रूट कर देते हैं, वर्गमूल कर देते हैं, तो लंबाई चौड़ाई कितने हो गए, 18.0277, 18.0227, इसको भाग करते हैं, वर्गमूल करते हैं, तो ये स्क्वेयर के अंदर निकल जाएगा। उसके बाद लिखते हैं मीटर से हम फीट के अंदर जाते हैं, तो 325 ये आपके पास एरिया है, और ये भी आपके पास एरिया हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर के अंदर होते हैं 3.28 फीट, 1 मीटर के अंदर होते हैं ये आपके पास 1 मीटर बराबर 3.28 फीट, इसको डॉट लगा देते हैं ना, एक डॉट सिंपल फीट हो जाता है। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, एरिया हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई। तो जब हम इसको गुना कर लेते हैं तो 3496.48 मीटर फीट स्क्वेयर आपके पास टोटल फीट स्क्वेयर हो जाता है, मीटर से फीट के अंदर जा रहे हैं। तो अगर मीटर स्क्वेयर से गज के अंदर जा रहे हैं, मीटर स्क्वेयर से गज के अंदर, तो 325, 325, 1.0936, 1.0936, ठीक है, तो ये इसको गुना कर लेंगे तो सिंपल दो या चीज़ याद रख लीजिए, तो 388.687 गज स्क्वेयर आपके पास एरिया हो जाता है, मीटर से गज स्क्वेयर के अंदर जा रहे। तो अगर सिंपल से कन्वर्जन याद रखना चाहते हैं, सिंपल याद करना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि 1 फीट स्क्वेयर, सपोज कीजिए 101 फीट स्क्वेयर कोई प्लॉट है, तो आप चाहते हैं मीटर स्क्वेयर के अंदर जाने के लिए, मीटर स्क्वेयर में जाने के लिए, या फिर 100 गज का प्लॉट है, 100 गज स्क्वेयर है, तो चाहते हैं कि कितना फीट स्क्वेयर होगा। तो टोटल मैंने एक कन्वर्जन यूनिट बनाई है, कन्वर्जन यूनिट वीडियो बनाई है कि 1 फीट 1 फीट स्क्वेयर में कितने गज स्क्वेयर होते हैं, कितने गज स्क्वेयर होते हैं, वो वीडियो जरूर देख लीजिए, वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते रहेंगे सीधा टेक्निकल वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।